अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, हमारा 10th चैप्टर अभी कंटिन्यू है। हम बात कर रहे थे, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं कि पाकिस्तान का मरकजी बैंक कौन कौन सा है और इसके तहत क्या काम करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आप लोगों ने याद करना है। तो जब ये पाकिस्तान बना था तो हमारे बैंकारी सिस्टम जो था इस इलाके का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि जो इंडिया का बैंक था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो पाकिस्तान के सरकारी बैंक की हैसियत से काम कर रहा था। तो कायदे आजम ने पाकिस्तान के बाद फौरी तौर पे कोशिश की कि पाकिस्तान का बैंक हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए मरकजी बैंक। तो उन्होंने यकम अक्टूबर डेट दी थी कि 1948 का होगा, लेकिन क्योंकि इंडिया ने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए तो कायदे आजम ने 12 मई को ही 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जारी कर दिया था। तो इसका जो है कि बैंक का दस्तूर और निज़ाम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जब 1974 को जब सारे बैंक तहवील में लिए गए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कौमी तहवील में चला गया और उसका मंजूर शुदा जो सरमाया था वो 3 करोड़ रुपए था। तो उसमें ये कि मरकजी बैंक के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इनका कोई भी दूसरा मुल्क जो है उनके शेयर्स नहीं खरीद सकता था। तो इनका एक मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक गवर्नर है और एक एक से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर और 9 डायरेक्टर्स होते हैं, और गवर्नर की तकरीरी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करती है और एक वज़ीर किसी हैसियत होती है, और इसके अलावा साल में कम से कम 6 इजलास होना ज़रूरी है, जबकि 1-3 महीने में एक इजलास इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर स्टेट बैंक नहीं होता वहाँ पर नेशनल बैंक जो है वो स्टेट बैंक के नुमाइंदे के तौर पर काम करता है। अब ये कि स्टेट बैंक के शोबे कितने हैं, स्टेट बैंक के चार बहुत अहम शोबा जात हैं। उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शोबा इजरा। शोबा इजरा का मतलब यह है कि नोट जारी करने की इजारादारी, क्योंकि स्टेट बैंक को पाकिस्तान में हासिल है तो नोट जारी करने का काम जो है वो स्टेट बैंक करता है। तो शोबा बैंकारी जो है वो दूसरा शोबा है कि जो बाकी जो जितने भी बैंक हैं उसको, क्योंकि इन्होंने ऑपरेट करना होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, तो उनके लिए एक अलग से एक शोबा कायम किया गया है जो तमाम बैंक्स के बारे में सारी डिटेल अपने पास रखता है। फिर आगे है कि ज़र मुबादला का शोबा है कि पाकिस्तान से जितना भी बाहर जाता है ज़र मुबादला या बाहर से अंदर आता है उन सब का रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक ने रखना होता है। और शोबे तहकीक भी एक कायम किया गया है। शोबे तहकीक में ये होता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हम सरमाकारी में कैसे इजाफा कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो स्टेट बैंक करता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है।